इस समय बनारस में हूँ और आपको ये जगह दिखा रहा हूँ। ये यूनिक जगह है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बनारस क्यों आया हूँ। और ये देखिए, इसी तरह से एक जगह है, चुनाव तो कन्हैया ने भी लड़ा था, चूँकि कन्हैया के साथ एक जाति है तो उनको करोड़ों का चंदा मिला और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसी बनारस में, इसी गर्मी में, 45 डिग्री टेम्परेचर में सेना BSF से जो जवान तेज बहादुर यादव जो है वो लगातार प्रचार कर रहे थे। और देखिए, इसी में वो ठहरे हुए हैं, एक ऐसी हैं इन्वेस्टर का है और यहीं ठहरे हुए हैं और उन तमाम लोगों से भी बात कराएंगे जो उनके साथ बने हुए हैं। तेज बहादुर जी, कितने दिनों से आप इस जगह पर ठहरे हुए हैं? हम तकरीबन 24 को हमने नामांकन किया था, उससे एक हफ्ते पहले आए थे। अच्छा, 24 को नामांकन किया था, उससे एक पहले, मतलब 15 दिन हो गए। हाँ, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए। 15 दिन से आप यही इसी जगह पर ठहरे हुए? हाँ, इसी जगह रहते हैं। और उसके बाद ही मोदी जी आपसे डर गए? अब सच के होता ही है, जब आप सच के लिए लड़ने चले हो तो झूठों की क्या औकात है वो जो आपके सामने रुक पाए। तेज बहादुर जी, मैं चुनाव पर तो बात करूंगा, पूरा देश आपके साथ है, आप सबसे ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी हैं, पूरा देश आपको समर्थन कर रहा है। आपने जब आप जब सेना में थे और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सेना में ऐसी घटिया खाना मिलता रहता है, भ्रष्टाचार है, उन्होंने क्यों आवाज़ उठाई? देखिए, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि सेना के अंदर मैंने आवाज़ उठाई, मेरा हश्र क्या हुआ, मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तो हर आदमी अपने घर परिवार बीवी बच्चे को भी देखता है, वो किसके लिए नौकरी करता है, देश के लिए भी करता है, साथ में उसके घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे है, ये इतने तानाशाह लोग हैं कि सब कुछ उसका ख़त्म कर देते हैं। कोई डर के मारे बेचारा चुप है। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ आवाज़ नहीं, मेरे बाद में मैं आपको नाम सहित गिना सकता हूँ, जो एक मेथू कुमार था, एक लड़का आर्मी का, जिसने आवाज़ उठाई, पंकज मिश्रा था जिसने आवाज़ उठाई, और मिथु सिंह राठौड़ था जिसने आवाज़ उठाई, और राजस्थान से क्या राठौड़ थे, उन्होंने चैनल के ऊपर आवाज़ उठाई। ये कहाँ है ये लोग, आज पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए, सबको यही कर दिया गया, सबका यही कर दिया गया। यज्ञ प्रताप थे, मुथु कुमार को तो जान से मार दिया गया और उसको कहा गया कि आत्महत्या कर ली। आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? लोग जिस समय में सारे नेता डरे हुए हैं, बोल नहीं रहे, घर में बैठे हुए हैं, उसमें आपने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का तय किया और आप कैंडिडेट घोषित हो गए गठबंधन के, इतनी हिम्मत कहाँ से? उम्मीद थी कि गठबंधन कैंडिडेट बनाएगा? मेरे दादाजी ईश्वर सिंह आज़ाद, जिन्होंने आज़ाद हिंद की जो सेना खड़ी करने में नेताजी का सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग किया था, जो हमारे जितने भी पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र था उसकी उनकी जिम्मेवारी थी, पूरी आज़ाद हिंद की सेना उन्होंने खड़ी करी थी नेताजी के साथ मिलके। तो मेरे जो दादाजी थे उनके जो है, मुझे जिस प्रकार से प्रेरणाएं मिलती थी, 1991 में उनका देहांत हुआ है, जब मैं बड़ा हो गया था, 10वीं क्लास में था, तो वो चीज़ें हमारे खून में है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये हमारे खून में है। अब अच्छा, आपको लगता है कि ये सब कुछ मोदी जी अमित शाह के इशारे पर हुआ है? ये तो क्यों लगता नहीं है, सच है, ये एकदम सच्चाई है। वो लोग डर गए थे यहाँ से, कि वो हार रहे थे यहाँ से। और अगर दी मोदी जी, मैं आपको ये भी बता दूँ, दो जगह से नामांकन होता तो शायद वो ये नहीं करते। अब हमने जो वो दुनिया को जिस प्रकार से वो करते हैं ना, चाल चलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि तुम फौजी से टकर रहे हो, तो फौजी जब सेना दूसरे दुश्मन से लड़ता है तो दुश्मन को ये नहीं पता लगता कि फौजी लड़ेगा कैसे। ये मैंने अपना पत्ता जानबूझ के मैंने लास्ट दिन नामांकन इसलिए किया था ताकि मोदी जी ग्राउंड छोड़ के कहीं भाग ना जाए दूसरी जगह। अच्छा, आप लोगों ने प्लान कर रखा था, अखिलेश जी से बात हो गई थी कि लास्ट में कैंडिडेट घोषित करना है? अखिलेश जी से इस मुद्दे पे बात नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना मुझे विश्वास था और अखिलेश जी से बात हुई थी, मुझे इशारों में संदेश मिल चुका था अखिलेश जी का कि आपके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। और अखिलेश जी एक बार ये कह भी चुके थे कि इस बार बनारस में हम कुछ नया करके दिखाएंगे, तब भी शायद इनकी समझ में नहीं आई कि नया हम क्या करेंगे। ये अपने आप को सातिर समझते हैं, उनको ये पता होना चाहिए, एक जवान है जो युद्ध की प्लान बनाते हैं, दूसरे देश को नहीं पता लगने देते, तुम्हें कहाँ से पता लगने देंगे। लेकिन इन्होंने दुरुपयोग किया है सत्ता का, आज लोकतंत्र की हत्या की है इन्होंने, बाकी ये सामने नहीं लड़ पाए हमारे सामने, और मैं तो कहता हूँ ये बुरी तरह हार गए हमारे से। आज हमें गर्व है। आपको अंदाजा है आपको इस देश का 100 करोड़ आदमी पसंद करता है और आपके साथ खड़ा है? मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा लेकिन पीछे नहीं हटूँगा। कोई ये सोचे कि मैं किसी विशेष दल की बंधन में बन जाऊँगा तो मुझे कोई बेड़ियाँ बांध नहीं सकती, मुझे कोई खरीद नहीं सकता।
एक सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ एक ट्रेड भी चलाया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है, आज आपको मैं खुद बता देता हूँ, एक कोई दिल्ली पुलिस के पंकज शर्मा हैं जो मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए दो नहीं आपका वीडियो वायरल कर दूंगा। दिल्ली पुलिस के सिपाही है, हम फौजी आदमी हैं, एक दो पैसे लेते हैं, हम मना नहीं करते कभी कभी। उसमें कौन सा अपराध है? हाँ, वो साथ में मुझसे पूछ रहा है कि आपको 50 करोड़ रुपए दिया जाए मोदी को मार दोगे। मैंने कहा लाओ 50 करोड़ तो लाओ, मुझे पता है उसके पास कहाँ से है। अब वो दिखा रहा है कि देखो तेज बहादुर, अरे बीजेपी मुझे 50 करोड़ तक का ऑफर दे रही है, तब मैं पीछे नहीं हटा। ये ऑफर कब मिला था आपको बीजेपी से? 50 जब मैं नामांकन किया था उसके कुछ दिन बाद ही बीजेपी के लोग घर पे आए थे। कौन लोग थे उसमें? देखो उनका मैं चर्चा नहीं करूंगा, मुझे पता है अगर भी उन लोगों का मैंने नाम खुलासा करे तो सब मार दिए जाएंगे, क्योंकि ये लोग बड़े साथी रहे इनके खिलाफ। जब आपके साथ इतना दुर्गति हो रही है तो आपको बोलने में क्या जा रहा है? नहीं देखो, हमने किसी को जो जुबान दिया है अपनी जुबान से गर्दन कट सकती है लेकिन अपनी जुबान से नहीं मुकर सकते, हमारा ये वसूल है। अच्छा, बनारस में डीएम एसपी कोई अधिकारी ऐसा मिला जिसने आपको समझाया हो कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है या आपसे सिंपथी रखता हो? और उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं है। डीएम यहाँ के जितने अधिकारी थे उन्होंने अपने हाथ से मुझे पेपर तक नहीं दिया, ऑब्जर्वर ने मुझे पेपर जो आया हुआ था प्रवेश शक उसने अपने हाथ से मुझे पेपर दिया, यहाँ के किसी अधिकारी ने मुझे पेपर भी नहीं पकड़ाया। उनको इतना दिल में दुख हुआ कि आज एक जवान की जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो मजबूर जरूर हैं लेकिन उनके दिल में इतनी पीड़ा थी और दर्द था कि उन्होंने मुझे लेटर देना उचित नहीं समझा अपने हाथ से। और आपने जब देखा होगा जो रिटर्निंग अधिकारी भात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आप चेहरे से साफ देख रहे होंगे कि उनकी हालात क्या थी। अब आप मजबूर थे, ये इस तरह के मामले हो चुके हैं, एक बार इंदिरा गांधी को राजनारायण चुनाव कोर्ट से हरा चुके, क्या आप कोर्ट, आपका विकल्प है कोर्ट में? बिल्कुल कोर्ट में जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, मैं इस चीज़ के लिए लगा हुआ हूं, वकीलों के संपर्क में हम लगे हुए हैं और मैं तमाम हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे बड़े बड़े वकीलों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो है इस मामले में हमारी मदद। प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, उनके नंबर अगर भी आप मुझे उपलब्ध करा दें मैं उनसे अभी बात करूंगा, और मैं अगर भी वो कहेंगे आप दिल्ली आ जाइए तो मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा और उनसे बात करके। कुछ लोग बता रहे थे कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ धरना भी देने की सोच रहे हैं, आप जब तक चुनाव नहीं हो जाता। देखो हम इनकी तरह नहीं है, तानाशाह नहीं है, हमें आज भी देश के संविधान पे विश्वास है। इनको इन्होंने तो संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं लेकिन हम आज भी है, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते हम संविधान को मानते हैं और डिसिप्लिन को हम मानते हैं, हम गलत इस तरह का नहीं। अगर भी वहां से भी हमें न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे देशवासियों को एकत्रित करके और हम जो है धरना शुरू करें। अभी 19 तक चुनाव है, आपका पर्चा रद्द हो गया है, क्या आप बनारस में बने रहेंगे, मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, जो कैंडिडेट है गठबंधन के उनके पक्ष में कैंपेन करेंगे, क्या रणनीति बना? बिल्कुल हमारा कैंपेन शुरू है, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया होगा, और मैं बनारस की धरती से जब तक जाऊंगा नहीं जब तक मोदी जी को यहां से वापस नहीं भगा देता। जो खास दुश्मनी क्यों है, आप सेना में थे, माफ कीजिएगा, आप पैरामिलिट्री फोर्स, आप बीएसएफ में थे ना? जी जी जी। तो आप गृह मंत्रालय से भी तो दुश्मन, क्या लगता है सब मोदी के इशारे पर हो रहा है, मोदी को जिम्मेदार क्यों मानते हैं? दो ही इंसान हैं जो इस पूरे देश को लूट रहे हैं, अमित शाह और मोदी। बाकी ये मैं नहीं कहता कि बीजेपी पार्टी पूरी खराब है, अच्छे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत मनोहर पर्रिकर जी से मैं खुद मिला, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, इतने अच्छे लीडर थे, लेकिन वो उस जैसे लीडर जो आज दुनिया में नहीं रहे, मैं खुद उनसे 2 बार मुलाकात की, सुषमा स्वराज है, इस तरह के अच्छे लीडर जिनका मैं सम्मान करता हूँ। बीजेपी से दुश्मनी नहीं, ये 2 आदमियों ने देश को लूटा है, अमित शाह और मोदी जी, आज देश को कहाँ ला के खड़ा कर दिया, हिंदू मुसलमान और गाय गोबर पे ऊपर क्या कोई विकास हुआ? आज क्या हालात है, आज युवाओं की क्या हालात है आप देखिए, क्या कहीं पर रोजगार की आशाएं दिख, आज के युवाओं को अपना भविष्य क्या दिख रहा है? चाय बेचना ही दिख रहा है ना, या पकोड़े तलना दिख रहा है, यही दिखाई दे रहा है उनको, क्योंकि हुआ ही नहीं कुछ देश के अंदर। इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई है, आपको सेना से निकाल दिया, आपके घर में ट्रेजडी हुई, आपका इकलौता बेटा था, क्या कहेंगे देश को? क्योंकि इस देश में लोग लड़ना सीखे नहीं है, ताकतवर आदमी के सामने घुटना टेक देते हैं, आप इस तरह से लड़ रहे हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ देशवासियों से, आप एक बार घर से बाहर निकल के देखिए, जब मैं चला था अकेला था, और आप खुद कह रहे हैं आज मेरे साथ 1 करोड़ आदमी, एक करोड़ नहीं भाई पूरा देश, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ आपके पक्ष में, एक दिन ऐसा आया हूँ आपसे बात, ये मैंने पहले दिन भी कहा था, ये मंगल पांडे वाली क्रांति की आगाज है, मोदी जी आप जितना हाथ लगाओगे उतने हाथ आपके जलते जाएंगे, आपने बहुत बड़ी शायद जिंदगी में उनकी बहुत बड़ी भूल है, मेरा पर्चा निरस्त करवा के शायद उन्होंने इस पूरे बीजेपी का पतन लिख दिया,
आज मैं आपके सामने कहता हूँ कि आज से हमने प्रतिज्ञा ली कि पूरे बीजेपी आपको पता है इस देश में जितने रिटायर्ड सैनिक हैं या सेना से जुड़े हुए लोग हैं उनका सबका परिवार नाराज है बीजेपी से। बिल्कुल नाराज है। अगर दी मैं आज घोषणा कर दूं तो पूरे हिंदुस्तान की सेना में दावे के साथ कह सकता हूं हथियार डाल के मेरे साथ खड़ी होने की तैयार है, लेकिन मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैं अपने देश से जुड़ा हूं, मैं अपने सैनिक भाइयों से कभी नहीं कहूंगा नहीं, क्योंकि उसमें देश का नुकसान हो सकता है। सबसे पहले देश की सुरक्षा है, मेरा उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं, मैंने कोई नेता मोदी जी जो कहते हैं एयर स्ट्राइक किया है, पुलवामा कर दिया, आतंकवादी को मार दिया, आप तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। कौन? मैं सेना पे सवाल नहीं उठा रहा। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मैं बताता हूँ सच क्या हुआ है, कि हमारी एयरफोर्स दूसरे देश में जाके अटैक करके और सेफ वापस आती है। ये एक बहुत बड़ा तो हमें कामयाबी है, दूसरे देशों में आज तक कोई एयरफोर्स ऐसा कर नहीं पाएगी। लेकिन इन निकम्मों ने एयरफोर्स को टारगेट गलत दिया, जिससे उस एयरफोर्स की आज सवाल उठे, उसकी बदनामी हुई पूरे वर्ल्ड के। अभिनंदन ने भी आपका समर्थन किया है, बातचीत हुई है, कोई फोन पर बात की नहीं? वो आरआर हॉस्पिटल में उनको कैद किया रखा है, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं। उनको भी क्या लगता है, क्या वजह है कैद करने का? हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं तो सच्चाई बता दे, जैसे आज मैं बता रहा हूँ, वो भी दे। आज एक तेज बहादुर बता रहा है अगर अभिनंदन जी आ गए तो इनकी क्या हालत होगी। पुलवामा पर जांच की आपने बात कही थी, उसकी क्या वजह लगती है? देखिए, जब सारी जांच एजेंसियां अलर्ट कर देती हैं, सब कुछ कर देती है, उसके बावजूद इतना बड़ा हमला और मोदी जी वहां पर बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, इससे क्या लगता है कि ये राजनीतिक के तौर पर सीधे सीधे इन जवानों की हत्या करवाई गई है? क्यों जांच से डर रहे हैं आप? मुझे मोदी जी को पता था तेज बहादुर संसद में जाएगा तो पहला सवाल यही उठाएगा। सबसे पहला मेरा सवाल, मैंने कहा था पुलवामा हमले की जांच, सबसे पहला मेरा सवाल यही था। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप नेता क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं नेता बनना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अपने देशवासियों का सेवक बनना चाहता हूँ, देशवासियों को जागृत करना चाहता हूँ ताकि देश को बचाया जा सके, और वो एक रास्ता है संसद। जब तक संसद में अच्छे लोग चुन के नहीं जाएंगे, देश नहीं बच सकता। आपको लगता है आपका पर्चा खारिज नहीं करवाया जाता जो आप कह रहे हैं तो आप संसद में होते? बिल्कुल संसद में पहुंच गया था, होते क्या? पब्लिक मुझे इतना स्नेह और प्रेम दे रही थी, आप देख रहे हो, खुद देख रहे हो, उसी डर के मारे तो इन्होंने करवाया है। इनको ये नहीं पता कि हमारे लिए अभी और भी विकल्प खुले हैं, अभी तो राज्यसभा के विकल्प खुले हैं। मोदी जी, आप संसद से रोक दोगे तो क्या है, बहुत बड़ा देश है, हो सकता है। आप हरियाणा से आते हैं, आपने बनारस से इसलिए चुना क्योंकि मोदी जी यहाँ क्या नहीं रहते? एक तो बनारस का बहुत बड़ा इतिहास है, बनारस की धरती पवित्र धरती है। जब मोदी जी गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो हरियाणा तो बहुत नज़दीक है। एक और सवाल जो तमाम लोग, मैं भी पहले जब आपके पूरा मामला आपका सेना का आया था दाल के खिलाफ, हमें लगा था कि कोई है जो जज्बा रखता है, जो गलत के खिलाफ गलत बोलता है। उसके बाद आपके फेसबुक देखा गया, उसमें एक जो जो धर्म के प्रति उन्माद है वो सब था, तो क्या उसके लिए आपको गिल्ट फील होता है कि किसी जाति विशेष या समूह किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं बात करें? देखिए, जब हम फौज में कसम लेते हैं तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, हमारा एक ही नारा होता है जय हिंद का। फौजी की ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है। जब मुझे तो आपने कभी मुसलमानों के खिलाफ कोई पोस्ट लिखे हैं? ये इनकी आईटी सेल है, आप मेरी रियल आईडी में आपके सामने बताता हूँ, मेरी रियल आईडी जो फेसबुक में है तेज बहादुर यादव ब्रैकेट में आजाद करके, अच्छा वो मेरी रियल आईडी है, आप उस मेरी रियल आईडी को चेक करें आपको पता लग जाएगा। ये मेरे क्या लगा, ये आईटी सेल ने सब किया? हाँ, मेरी फाल्स आईडियाँ अभी भी 117 है, मेरे नाम पे 15 ट्विटर अकाउंट है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई, आपको अब तक कितनी बार आपको सजा हुई है सेना में? सेना में सजा नहीं हुई है मुझे। एक बार मैंने गाय जो है स्मगलिंग कराते थे उसका विरोध किया था, एक कंपनी कमांडर ने कहा कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आप क्या करोगे, मैंने उनको जरूर कहा था। क्या बांग्लादेश गाय? हाँ, बिल्कुल कहा था, और बंदूक की नोक पे कहा था, मैं जो है असली जो है मैं जब तक यहाँ हूँ अगर नहीं मेरे यहाँ से गाय क्रॉस होगी तो मैं गोली मार दूँ। अभी भी कह रहा हूँ, उसी बेस के ऊपर इन्होंने मुझे सजा दिया था। अच्छा, क्या मैं एक बॉर्डर के ऊपर खड़ा होके और वो भी हिंदू हूँ मैं, क्या मेरे सामने ये गाय को पार करेंगे और मैं चुपचाप देखता हूँ? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, खाने वाले कोई मतलब भी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप स्मगलिंग नहीं, आप ब्लैकिंग करके ब्लैकमेलिंग करके मैंने पकड़वाया। आज भी इनके पास जाइए, चेक करिए, 29 बटालियन में पूछिए कि ये 50 लाख रुपए किस चीज के आपके पास रखे हैं। जब वो बताएंगे कि ये तेज भाग, उस टाइम 5 करोड़ रुपए थे इनके पास। दूसरी बार कब आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई सेना में?
अधिकारियों से जब आपने दाल को लेकर कंप्लेंट किया। हाँ, दाल को लेकर कंप्लेंट किया। अगर दी मैं इतना ही खराब था तो मुझे 18-18 अवार्ड क्यों दे रहे हैं ये? 18 अवार्ड और दिए सब के अंदर ऑलराउंड। ऑलराउंड का मतलब है हर चीज के अंदर, आप फिजिकल आ जाइए, फायरिंग आ जाइए, मेंटली टेस्ट आ जाइए, ऑलराउंड बेस्ट के गोल्ड मेडल तक मैंने ले रखे हैं। आज ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, आज ऑल टोटल क्यों भी है सबके कितने कमाने हैं। DIG आज फोन कर करके मुझे कह रहे तेज बहादुर आपके साथ है, तेज बहादुर आपके साथ है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा उनके। आज सारी क्यों मेरे साथ खड़े हैं, ये सब राजनीतिक स्टैंड। इन लोगों ने जब सत्ता में होते हैं दबाव कुछ भी कर सकते हैं लोग, आप देख ही रहे हो। एक आखिरी सवाल तेज बहादुर जी, अब चूंकि आप सेना में भी नहीं है, अब आप राजनीति के मैदान में है जी, आपने वो सब झेल लिया है जो आदमी जीवन भर में नहीं झेलता है। हाँ। अगला कदम क्या होगा, क्या रणनीति है आपकी और आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी 3 चरणों का चुनाव बचा हुआ है। मैं जहाँ जहाँ चुनाव बचा हुआ है, मैं इन मोदी जी की सत्ता को उखाड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करूँगा। जहाँ बचाया हर जगह मैं कैंपन के लिए जाऊँगा, मेरा अपना ये हर जगह मैं कैंप लोगों को जाके सच्चाई बताऊँगा। और मेरे जितने साथी जवान हैं वो भी मैं उनको भी भेज रहा हूँ अलग अलग जगह में, उनको डिवाइड कर रहा हूँ कि आप अलग अलग जगह में जाइए और हम सब जो है इनके खिलाफ़ प्रचार करेंगे। खिलाफ नहीं, हम लोगों को सच्चाई बताएंगे ये कि आप मोदी जी को छोड़ के चाहे आप किसी को भी वोट कर दीजिए, अगर ये सत्ता में आएंगे तो किस प्रकार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, अगर ये दोबारा सत्ता में आएंगे तो ये लोग देश को बेच देंगे। देखिए तेज बहादुर जी सेना में रहे हैं, इनके जुनून को तो सलाम करना पड़ेगा, चाहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का फैसला हो, चाहे सेना में ये दाल सिर्फ तेज बहादुर जी नहीं खा रहे थे, सेना के हर जवान को मिल रहा होगा। उसके बाद सेना से वीडियो की बाढ़ आई थी और सेना में किस तरह के, चाहे वो राफेल हो चाहे वो फोर्स हो, तमाम स्कैम होते रहे, तो इसको लेकर कोई होली काउ नहीं है जो सेना के अधिकारी हैं। सेना पर फख्र है देश को, लेकिन सेना में भ्रष्टाचार होते रहे उस पर बात होनी चाहिए। तो तेज बहादुर यादव ने ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए हमें जो धारा के विपरीत, चूँकि नौकरी की चिंता इनको भी रही होगी, पहले भी इन्होंने तकलीफें झेली हैं, पारिवारिक तकलीफ भी झेल रहे हैं, और अब जब बनारस में 45 डिग्री टेम्परेचर है, अभी मैं बात करते करते पसीने पसीने हो रहा हूँ, उसमें देखिए ये इस तरह के एल्वेस्टेस के घर में रह के और ये चुनाव कैंपेन चला रहे हैं। पार्टी से अभी इनको एक होटल का कमरा मिला था, लेकिन एक दिन रुकने के बाद इन्होंने तय किया कि शायद मैं होटल के कमरे के लिए नहीं बना हूँ, और वो आ गए हैं, और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर उनका पर्चा खारिज करवाया है, इसलिए भी इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से भी लड़ने की बात कह रहे हैं। बस शर्त इतनी है कि क्या इस देश की जनता उनके साथ खड़ी है या नहीं है। उनको लगता है कि अगर देश की जनता उनकी मदद करेगी, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, और मैं अपने तरफ से एक बात जोड़ रहा हूँ, वो नहीं मान रहे सेना में उन्होंने नौकरी की है, आपको मानना पड़ेगा इस बात को कि इस देश में अगर इनके नाम के आगे मिश्रा शर्मा वर्मा लगा होता तो वी स्टार होते, दर्जनों मीडिया होती, माइक लगा होता और करोड़ों का चंदा मिलता जैसे बाकी लोगों को मिलता है। इसलिए अगर आप इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी हैं और आपने क्रुसेडर का भी काम किया है, बड़ा काम किया है, तो अभी आपको ये देश दंस झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तेज बहादुर, जाति समझने के लिए कम से कम PhD करनी पड़ती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वाराणसी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।